नमस्कार, मैं मोहन दुबे, वीएसआरएस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने मिसाइल मैन के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा कि चाहे वो वैज्ञानिक के रूप में हो या राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्र कभी उनके योगदान को नहीं भूल सकता। भारत और नेपाल के बीच रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश तेज हो गई है। सीमा विवाद के बाद पहली बार भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे नेपाल जाएंगे। उनका ये दौरा अगले महीने होगा। अब तक इसकी तारीख तय नहीं हुई है। नेपाल आर्मी ने बुधवार को इस बारे में कहा कि उनके दौरे को नेपाल सरकार से 3 फरवरी को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन दोनों देशों में लॉकडाउन की वजह से ये टल गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को नागपुर से 205 टन संतरे से लदी एक विशेष किसान ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। मध्य रेलवे की एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई। नागपुर संतरों के लिए जाना जाता है और ये विशेष ट्रेन कटोल, नारखेड, पांडुर्ना, बैतूल और इटारसी के संतरा उत्पादन वाले क्षेत्रों में रुकेगी। संतरा उत्पादन करने वाले किसानों और व्यापारियों के लिए रैक की बुकिंग के लिए एक वेबसाइट भी शुरू की गई है। तेजस्वी यादव फिर से राघोपुर से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उन्होंने बुधवार को राघोपुर से नामांकन किया। चुनावी हलफनामे में तेजस्वी यादव ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया है। तेजस्वी के पास करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसे लेकर डेप्यूटी सीएम सुशील मोदी ने उनके ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि बिना नौकरी के तेजस्वी ने इतना संपत्ति कैसे बनाया। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर में भारी बारिश के कारण चंद्रभागा नदी के तट पर बुधवार को एक दीवार गिर गई, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी दी। एक अधिकारी ने कहा कि घटना शहर के कुंभर घाट के पास अपराह्न 2:30 बजे हुई। सोलापुर की पुलिस अधीक्षक तेजस्वी सतपुते ने कहा कि मृतकों में एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं, जिनका निवास दीवार के पास था। इसके अलावा मृतकों में से 2 अन्य लोग भी हैं, जिन्होंने बारिश से बचने के लिए आश्रय लिया था। हैदराबाद के बाद अब महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे समेत कई इलाकों में बुधवार रात से ही मूसलाधार बारिश जारी है। पुणे के कई इलाकों में पानी भर गया है। यहां घरों, सड़कों, गलियों में घुटने से ज्यादा पानी भरा है। मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे समेत उत्तरी कोंकण के कई इलाकों में गुरुवार को भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई से सटे कांदिवली में एक बहुमंजिला इमारत की खिड़की पर जानलेवा स्टंट करने वाले लड़के का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस लड़के की तलाश कर रही है। जो वीडियो सामने आया है उसमें खिड़की के छज्जे पर लड़का उल्टा खड़ा नजर आ रहा है और उसका एक अन्य दोस्त मोबाइल फोन से उसका वीडियो बना रहा है। महाराष्ट्र से सामने आए वीडियो ने पुलिस और अपराधियों में गठजोड़ की पोल खोल दी है। मुंबई से सटे वसई के तुलंज पुलिस स्टेशन में हिस्ट्री शीटर सचिन गाला का जन्मदिन मनाया गया। बाकायदा पुलिस वालों ने केक काट कर उसे खिलाया और तालियां बजाकर बर्थडे सॉन्ग भी गाया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं। पुणे जिले में बारिश का कहर दूसरे दिन भी देखने को मिला। दौंड तालुका में दर्दनाक हादसा सामने आया है। 2 बाइक से जा रहे 4 लोग नदी के बहाव में बह गए। 3 लोगों के शव को बाहर निकाला गया। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। शहाशी गंगाधर लोखंड, सुभाष नारायण लोंडे, अपासो हरिश्चंद्र दायतोंडे, कलावती अपासो धायतोंडे, ऐसे मृतकों के नाम है। सुभाष लोंडे की तलाश अभी भी जारी है। बिहार चुनाव में नामांकन भरने के दौरान मेगा शो दिखा। कई प्रमुख दलों के बड़े नेताओं ने पर्चे भरे। 20 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इनमें भागलपुर से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे, भाजपा के बागी विजय शाह, पूर्व मेयर दीपक भुवानिया, बिहपुर विधानसभा से राजद से बूलो मंडप, भाजपा से इंजीनियर शैलेंद्र ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान चुनावी महापर्व का मेला लगा। कहीं उत्साह तो कहीं आस्था और कहीं इमोशन, ड्रामा और सियासी रिलेशन से पूरा माहौल चुनावी हो उठा।